पाइथन में बनाएंगे, और मैं मेन डॉट पी वाई रखता हूँ। जब एक ही फाइल रहती है मेरी फोल्डर में कोई भी पाइथन की, तो मैं उसका नाम मेन डॉट पी वाई रखता हूँ। इसका नाम भी मैं मेन डॉट पी वाई रखूँगा, और यहाँ पर इसको बंद करता हूँ। और मेन डॉट पी वाई यहाँ पर रख के मैं क्या करूँगा, स्नेक वाटर गन बनाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा कि ए इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, और स्नेक वाटर और गन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लेयर वन का टर्न है, तो यहाँ पर प्लेयर वन का टर्न है, और मैं पूछ रहा हूँ स्नेक वाटर या गन, ठीक है। स्नेक के लिए उसको एस दबाना होगा, वाटर के लिए उसे डब्लू दबाना होगा, और गन के लिए उसे क्या दबाना होगा, जी दबाना होगा। बिल्कुल सही गैस किया आपने, ठीक है। तो ये वाटर हो गया और ये गन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर बी इज इक्वल टू प्लेयर टू का टर्न हो जाएगा, और वो होगा स्नेक वाटर या गन फिर से, ठीक है। ए में स्नेक वाटर या गन, बी में स्नेक वाटर या गन आएगा। अब हमें ए और बी में ये देखना है कि कौन जीता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक गेम फंक्शन है उसको रन कर देंगे, और वो गेम फंक्शन बताएगा कि प्लेयर वन जीता है, प्लेयर बी जीता है, या कौन जीता है, ठीक है। लेकिन अब ज़रा सोचो, अगर मैंने यहाँ पर स्नेक वाटर या गन टाइप कर दिया अपने कीबोर्ड पे, तो होगा क्या कि स्नेक वाटर या गन जो दूसरा प्लेयर है वो पहले प्लेयर को देख के और चीटिंग कर लेगा, जो कि अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो इसने स्नेक अगर किया, तो ये इसे पता है कि मैं गन से उड़ा सकता हूँ, तो ये गन चुन लेगा। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ए जो हो वो रैंडम कुछ भी चुने, स्नेक चुने, वाटर चुने या गन चुने। और स्नेक वाटर या गन चुनने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ए की वैल्यू को किस तरह से सेट करूँगा आप देखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा कंप्यूटर टर्न, ठीक है, ऐसे मैं लिख दूंगा। और प्लेयर टू का टर्न बाद में आएगा, आप कंप्यूटर के साथ खेल लो, मैं प्लेयर्स टर्न कर देता हूँ इसको। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट रैंडम, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। रैंडम मॉड्यूल जो है, इसमें एक रैंड इंट फंक्शन होता है, जो कि जैसे मान लो आपने 1,2 लिखा, और आप इसको अगर प्रिंट करते हो रैंडम नंबर इज इक्वल टू, और आप प्रिंट करते हो रैंडम नंबर को, तो यहाँ पर मैं ये गेम को ज़रा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डेफ गेम और ऐसे पास कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप सिर्फ पास लिखते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो फंक्शन है वो खाली है, उसके अंदर भी कुछ मौजूद नहीं है। आप रन करोगे इसको और यहाँ पर देखो 1 आ गया, ठीक है। तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, सिर्फ प्रिंट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर इनपुट लिया जाए दो बार। तो ये जो रैंड इंट फंक्शन होता है, इसमें मैंने 1,2 लिखा, तो क्या होगा, कभी 1 आएगा कभी 2 आएगा, तो 1 और 2 में से ये आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। मैं काम करता हूँ, ज़रा इसको ना कमेंट आउट कर देता हूँ इतने पोर्शन को, और सिर्फ रैंडम नंबर को कमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि कभी यहाँ पर 1 आएगा कभी यहाँ पर 2 आएगा। देखो यहाँ पर अभी 2 आ गया, फिर मैं वापस रन करूँगा, 1 आया, कभी 1 आएगा कभी 2 आएगा कभी 1 आएगा कभी 2 आएगा। अगर मैंने 1,3 कर दिया इसको, तो 1, 2 और 3 में से ये नंबर चूज़ करता चला जाएगा करता चला जाएगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 नहीं आ रहा है, आ गया, देखो 3 भी आ गया था, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 में से आता रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर चुन लूँगा 1, 2 और 3, ठीक है। और मैं काम करूँगा सुविधा के लिए, कोडर की सुविधा के लिए, इनफैक्ट आप प्रोग्राम मॉडिफाई भी कर सकते हो, मैं कहूँगा स्नेक के लिए 1 चुनो, वाटर के लिए 2 चुनो, और गन के लिए 3 चुनो, ठीक है, ऐसे कर लूँगा मैं इसको। या एक और चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि जब कंप्यूटर का टर्न आया है, और उसके बाद मैंने रैंड के अंदर ये जो मेरा वेरिएबल है इसके अंदर मैंने 1, 2 या 3 में से कुछ चुनवाया है, तो मैं एक काम करूँगा कि जो प्लेयर होगा, मैं कहूँगा इफ़ रैंड नंबर इक्वल टू 1 कॉम्प इज इक्वल टू एस, ठीक है। फिर एल सेफ लिखूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि एल एफ होता है पाइथन में, एल सेफ नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अगर 2 है तो वाटर, ठीक है, अगर ये 2 है तो ये वाटर हो जाएगा, वरना गन हो जाएगा, ठीक है। एल सेफ रैंड नंबर इक्वल टू 3 तो जी फॉर गन, ठीक है। तो ये कंप्यूटर जो है वो सेलेक्ट कर रहा है अपना रैंड नंबर की वैल्यू के हिसाब से स्नेक वाटर और गन आ जाएगा यहाँ पर। और बी इज इक्वल टू में क्या होगा, प्लेयर अपना चुनेगा कि वो क्या चुनना चाहता है, स्नेक चुनना चाहता है, वाटर चुनना चाहता है, गन चुनना चाहता है, ठीक है। मैं प्लेयर्स टर्न की जगह योर टर्न लिख देता हूँ, कंप्यूटर्स टर्न और योर टर्न लिखूंगा, और आप कुछ भी एंटर करोगे उसके बाद गेम फंक्शन चलेगा जो कि ए और बी को लेगा। मैं इसको ए कर देता हूँ, रैंडम नंबर को मैं कॉम्प को ए कर देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ मैं इसको कॉम्प ही रहने देता हूँ, कॉम्प, और इसको यू कर देता हूँ। देखो वेरिएबल के नाम तो आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से वेरिएबल के नाम चूज़ कर सकते हो।
कभी भी आपको कोई फोर्स नहीं कर सकती कि ये वेरिएबल का नाम छोड़ना है। बस आपके ये है कि प्रोग्राम आपका अच्छा दिखेगा अगर आपने वेरिएबल का नाम अकॉर्डिंगली सेट किया तो आपका डन जो है वो स्नेक वाटर और गन, इस तरह से आप एस डब्ल्यू या फिर जी जो है यहाँ पर ऐसे टाइप कर सकते हो, और उसके हिसाब से फिर क्या होगा कि आपका ये जो स्ट्रिंग है वो चली जाएगी इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसमें भी मैं कॉम पर यू लिखूंगा। अब देखो क्या होगा, अगर कॉम्प ने स्नेक चुना, ठीक है, कॉम्प एक ही तो चीज़ चुन सकता है, या तो स्नेक चुन सकता है, या वाटर चुन सकता है, या गन चुन सकता है। अगर इसने कॉम्प ने स्नेक चुना, तो अगर आपने वाटर चुन लिया, ठीक है, अगर आपने वाटर चुन लिया, उसने स्नेक चुना, तो वो आपको पी जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं रिटर्न कर दूंगा जीरो, या रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। मैं इस फंक्शन का नाम ना गेम विन कर देता हूँ कि यार आप जीते या कि नहीं जीते, ये रिटर्न करता है, ये ऐसे करके मैं इसको बना देता हूँ। अगर आप जीते तो गेम विन ट्रू रिटर्न करेगा, वरना गेम विन फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कॉम्प की वैल्यू एस है और आपकी वैल्यू वाटर है, तो क्या होगा, कंप्यूटर आपको पी जाएगा, इसलिए रिटर्न फॉल्स, यानी कि आप हार जाएंगे। वरना क्या होगा, एल एफ एक और चीज़ हो सकती है, आपने चुना क्या, आपने चुना वाटर या गन ही तो चुन सकते हो आप, और आपने अगर गन चुना तो क्या होगा, तो आप इससे उड़ा दोगे, तो रिटर्न यहाँ पे मैं कर दूंगा ट्रू। और यहाँ पर एक और लाइन मैं ऐड करूँगा, इफ़ कॉम्प इक्वस टू यू रिटर्न नन, और नन का मतलब होगा टाई, कि यार दोनों में टाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं उसके बाद एल एफ लिखूंगा, कंप्यूटर स्नेक चुन सकता है, या फिर कंप्यूटर वाटर चुन सकता है, या फिर कंप्यूटर गन चुन सकता है। अगर कंप्यूटर ने वाटर चुना, ठीक है, कंप्यूटर ने वाटर चुना और आपने क्या चुना, आपने चुन लिया स्नेक, ठीक है, तो क्या होगा, आप कंप्यूटर को पी जाएंगे और यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे गन कर देता हूँ, यहाँ पे स्नेक कर देता हूँ। अगर आपने गन चुना तो आपकी गन पानी में डूब जाएगी और फॉल्स हो जाएगा, वरना अगर आपने स्नेक चुना तो आप पानी पी जाएंगे और ट्रू हो जाएगा। और इसके बाद मैं एक एल्स बनाऊंगा, एल्स ब्लॉक में मैं क्या करूँगा, मैं या फिर एक काम करता हूँ, एक और एलिफ बनाता हूँ मैं यहाँ पर, मेरा स्नेक हो गया, वाटर हो गया, गन हो गया। अगर ये गन है और आप स्नेक हैं, तो गन आपको उड़ा देगी, रिटर्न फॉल्स, अगर वाटर है तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अब देखते हैं कि ये गेम चलता है ढंग से या नहीं चलता है। अब मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, इफ़ इक्वस टू नन, मैं प्रिंट कर दूंगा द गेम इज़ अ टाई, ठीक है, और मैं इसको लेता हूँ ए इज इक्वल टू, और एलिफ एलिफ ए यू वेन, ठीक है, प्रिंट यू वेन कर दूंगा, प्रिंट यू वेन। वरना क्या होगा, वरना एल्स क्या हो जाएगा, यू लूज, ठीक है, एल्स यू लूज हो जाएगा। तो आप इसको रन करोगे तो कंप्यूटर टर्न, स्नेक वाटर गन, कंप्यूटर ने चुन लिया, अब आपकी बारी चुनने की, स्नेक वाटर या गन, गन यू लूज, ठीक है। और मैं काम करूंगा, जब मैं बताने वाला हूँ कि आपने क्या चुना और कंप्यूटर ने क्या चुना, ये मैं बता दूंगा, जब मैं ये बताऊंगा कि आप जीते या कंप्यूटर जीता, तो उससे पहले मैं बता दूंगा कि आपने क्या चुना, यू चोज, मैं आपको बता दूंगा कंप्यूटर ने क्या चूज़ किया, कंप्यूटर चोज, क्या चूज़ किया कंप्यूटर ने, कॉम्प, और यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग डालूंगा। एफ स्ट्रिंग क्या होती है, एफ स्ट्रिंग लगाने से क्या होता है कि आप यहाँ पर वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो कर्ली ब्रेसेस में, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर यू लिख दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर ने कॉम चुना, आपने यू चुन लिया, ठीक है, और जैसे आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर आपने गन लिखा, तो आपने गन चुना, कंप्यूटर ने भी गन चुना, तो ये टाई हो गया। फिर से खेलते हैं गेम, आपने स्नेक चुना, कंप्यूटर ने भी स्नेक चुना, गेम इज अ टाई। आपने वाटर चुना, कंप्यूटर ने भी वाटर चुना, ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ यहाँ पे चल रही है। क्या गड़बड़ चल रही है यार, मैं जो चुन रहा हूँ वही स्नेक चुन रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कोई गड़बड़ है कोड में, मैं यही देख रहा था कोड में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, स्नेक चुनता हूँ, ओके ठीक है, अभी अभी कुछ अलग हुआ, कंप्यूटर ने गन चुना, उसने उड़ा दिया मुझे गन से, तो मैं हार गया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने स्नेक चुना, अगर कंप्यूटर ने गन चुना, उसने फिर से मुझे उड़ा दिया, मैं अपनी स्नेक पर टिका रहूँगा, और कंप्यूटर गन में टिका रहा, उसने मुझे उड़ा दिया, मैं फिर से स्नेक पर टिका रहूँगा, और देखा इस बार मैं जीत गया, मैंने पानी पी लिया, देखा। तभी आप टिके रहे अगर अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, कभी कभी काम करता है, हर जगह इसको अंधाधुंध अप्लाई ना करें। तो गेम बन गया यार हमारा, ठीक है, मस्त बन गया गेम एकदम, और मैं यार बड़ा खुश हूँ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी का पहला गेम बनाया है, नीचे कमेंट में टाइम स्टैम्प लगा के मुझे बताओ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला गेम बनाया है, और मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप नीचे कमेंट